बड़ी खबर इस वक्त की, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कल दोपहर 3 बजे होगा। चुनाव आयोग कल यानी 16 मार्च को दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव की तारीखें बताएगा। और इसी के साथ चुनाव आयोग कल ही जो तीन आपको बता दें विधानसभा चुनाव होने हैं 3 राज्यों के, उसको लेकर के भी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा इलेक्शन कमीशन। कल दोपहर 3 बजे का इंतजार कि इस बार चुनाव कब से शुरू होंगे, संपन्न कब होंगे, चुनाव आयोग की तरफ से ये जानकारी दी जाएगी। हर राज्य से तमाम संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कल चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है, इसको लेकर जी न्यूज लगातार हर खबर आप तक पहुंचा रहा है। चर्चा हो रही है इस वक्त की किस राज्य में क्या तैयारियां चल रही हैं, किस पार्टी के कितने कैंडिडेट जो इस बार चुनावी मैदान में है, लिस्ट जो सामने आई है उसमें नाम शामिल है, नंबर कितने सामने आ चुके हैं और कौन सी पार्टी अभी इस वक्त पीछे चलती नजर आ रही है जिसने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी नहीं किया है। इस बार के चुनाव को देखते हुए सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए जाएंगे क्योंकि देश भर में ये चुनाव होने हैं। तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रविंद्र सबसे पहले आपके पास मैं आ रही हूं। कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इलेक्शन कमीशन की तरफ से डेट्स अनाउंस कर दी जाएंगी, लेकिन क्या ये माना जाए कि डेट्स डिसाइड ऑलरेडी हो चुकी हैं लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट कल होगा? देखिए दो तीन बातें बता दूं। देखिए इलेक्शन कमीशन जब डेट ऐलान करने जाता है तो उसके पहले सारा होमवर्क वो पूरी तरह से कर लेता है और ऑन पेपर कर लिया करता है कि किस लोकसभा सीट पर कितने वोट ईवीएम होंगे, कौन कौन वहाँ कर्मचारी होंगे, कैसी सुरक्षा व्यवस्था होगी, सीट वाइज, स्टेट वाइज ये पूरी तैयारी होती है, मूवमेंट वाइज, तो ये पूरी तैयारी कर ली गई है। उसके बाद कल ऐलान किया जाएगा। लेकिन और जहाँ तक पार्टियों की बात है, दो तीन बात जरूर बताना चाहूँगा कि बीजेपी की किस तरह की तैयारी है। मैं बीजेपी की अगर बात करूँ तो 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के कैंडिडेट थे प्रधानमंत्री के, उस समय बीजेपी सबसे हाईएस्ट वोट शेयर ले आई थी, 31% से ज्यादा वोट शेयर आए थे। लेकिन आप देखिए 5 साल सत्ता में रही, एंटी इनकम्बेंसी कहीं हावी नहीं हुआ। 2019 में ये 37% से ज्यादा वोट हुआ, 6% की वृद्धि हुई। इस बार प्रधानमंत्री हो या फिर गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा या बीजेपी, अपना टारगेट रखे हुए वोट परसेंटेज 50% से ज्यादा लाने के, यानी लगभग 13% ज्यादा वोट लाना है। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं को भी कहा, नेताओं को, कि हर बूथ पर 370 वोट अधिक चाहिए, उसकी तैयारी करिए। और खुद प्रधानमंत्री आप देखिए कि जनवरी से लगे हुए हैं, एक ऑफिशियल कार्यक्रम के तहत उन्होंने लगभग 18 से 19 राज्यों का दौरा पहले ही कर चुके हैं, जहां पर उन्होंने जनसभाएं भी की, रोड शो किया और विकास की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। अब आज से उनकी जो अगले 15 से 19 4-5 दिन की जो दौरा है, इसमें साउथ के 6 राज्यों पर फोकस है। आज आपने देखा कन्याकुमारी है, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, ये 5-6 राज्यों में वो लगातार दौरा करेंगे अगले 4 दिन तक। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का मिशन जो साउथ है, साउथ से ज़्यादा सीटें लाने का, वो खुद पिछले 1-2 महीना से लगभग ये तैयारी भी कर रहे हैं, हर सीट पर वहाँ पर की जा रही है। और इसीलिए गठबंधन भी आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम और पवन कल्याण के पार्टी से किया गया है। अगर तमिलनाडु में देखें तो वहाँ भी जल्द ही ऐलान की घोषणा हो जाएगी। उड़ीसा में जहाँ सीटें बढ़ाने की बात कही जा रही है बीजेपी की, 2-4 सीटें वहाँ बढ़ जाए, वहाँ पर बीजेडी के साथ अभी बातचीत फाइनल नहीं हुआ है। नीतीश कुमार का आपने देखा कि उनके साथ गठबंधन चुनाव से पहले कर लिया गया। तो बीजेपी की अपनी कोशिश 370 है, लेकिन उस 370 को पाने के लिए खुद प्रधानमंत्री जमीन पर उतरे हुए हैं और अब से अगले 4 दिन तक बीजेपी का जो कार्यक्रम है, एनडीए का जो कार्यक्रम है, उसको मूर्त रूप दे रहे हैं। और आंध्र प्रदेश में एनडीए के जो गठबंधन के नए सहयोगी हैं चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण, वो दोनों भी बड़ी रैली में शिरकत करेंगे। तो कहीं ना कहीं रविंद्र बने रहे आप हमारे साथ, रवि भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। रवि, लगातार जी न्यूज इस चीज को लेकर के दर्शकों तक जानकारी पहुंचा रहा है कि कल चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते के साथ ही कोड ऑफ कंडक्ट की अगर हम बात करें तो क्या कुछ बदलने वाला है राजनीतिक पार्टियों के लिए जब तक चुनाव ना हो जाए? नहीं, बिल्कुल सही आपने सवाल किया है कि जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, कल चुनाव की घोषणा 3 बजे से होनी शुरू होगी और उसके बाद मान लीजिए कि कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है तो पॉलिटिकल पार्टीज को अपने खर्चे में सब चीज़, अभी तक जितनी रैली, जितना कार्यक्रम चल रहा है, उसके खर्चे का ब्यौरा चुनाव आयोग को और चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जाता है। लेकिन जैसे कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, हर एक रैली, हर एक मूवमेंट, हर जो खर्चा आप करेंगे उसका आपको नाता उससे हो जाएगा, चुनाव से जुड़ जाएगा। साथ ही आपके हर बयान को चुनाव आयोग नज़र रखेगा, कोई भी आप बयान देते हैं तो उस पर आपको
आपको नोटिस आ सकता है, उसको रिप्लाई किया जा सकता है, आपके आपके मूवमेंट को बैन किया जा सकता है। दो दो तीन तीन दिन के लिए नेताओं को बैन भी किया गया कि वो रैली नहीं कर सकते हैं, बड़े बड़े नेताओं को बैन किया गया है। तो एक तरह से कहा जाए तो पूरी तरह से चुनाव आयोग सिस्टम को अपने हाथ में ले लेता है। जितने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं वो चुनाव आयोग के कहने पर काम करते हैं, उन्हीं के उनके कहने पर ही डीएम एसपी सब काम करते हैं और सब चुनाव आयोग के अधिकारी के तौर पर काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस की तैयारी बताना चाहूंगा, जैसे रविंदर बता रहे हैं बीजेपी की तैयारी में, कांग्रेस दफ्तर में खड़ा हूं तैयारी में, कांग्रेस भी कमी नहीं कर रही है। देखिए कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा चली, अब मणिपुर से मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं और कल उसका समापन होगा, परसों बड़ी रैली इंडिया गठबंधन की होने वाली है मुंबई में। तो तैयारी इधर भी की गई है, लेकिन अब तैयारी का असर जनता पे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। जनता किसकी तैयारी को और किसके वायदों को ज्यादा तवज्जो देती है, तवज्जो देने की बात है। यहाँ से 1,00,000 रुपए महिलाओं के, बिल्कुल रवि, और तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबके पास हमें जाना है। रजत वोरा जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, जम्मू में क्या सुगबुगाहट, कल तारीखों का ऐलान हो जाएगा? रजत, रजत तक आवाज हमारी नहीं पहुंच रही है। हम एक बार अश्विन का रुख करेंगे, अश्विन मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विन, महाराष्ट्र की तमाम सीटों को लेकर इस बार लड़ाई कैसी नजर आ रही है? जिस बार लड़ाई बेहद कांटे की होने वाली है, चूंकि आप देखिए कि शिवसेना में दो फाड़ हुआ है, एनसीपी में दो फाड़ हुआ है और दोनों ही अलग अलग गठबंधन के साथ जा रही हैं। बीजेपी के साथ अजीत पवार हैं, एकनाथ शिंदे हैं, जबकि एमवीए में कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे हैं और शरद पवार हैं। लेकिन एमवीए की सबसे बड़ी मजबूरी आप देखिए कि अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई ठोस नतीजा उनकी तरफ से सामने नहीं आया है, जबकि बीजेपी ने अपने 20 कैंडिडेट के नाम का अनाउंसमेंट कर दिया है। हालांकि यहां भी अभी लड़ाई चल रही है कि आखिरकार एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के लोग कितनी सीटों पर लड़ेंगे वो अभी तक तय नहीं हो पाया है। वहीं एमवीए में भी 10 से 15 सीटों को लेकर जो है स्थिति साफ नहीं हुई और लगातार एमवीए के घटक दल के तौर पर जिन्हें नेता दिया गया था अकेले, वहां जो प्रत्याशियों के नाम है उसका ऐलान किया गया। हालांकि एनडीए भी जहां पर है उनका भी ऐलान किया गया, लेकिन कुछ ऐसी हॉट सीट्स हैं जिसमें महाराष्ट्र है, वहां अभी पूरी तरीके से लिस्ट सामने नहीं आई है। रजत वोरा जम्मू से हमारे साथ बने हुए हैं। जम्मू की सियासत इस वक्त किस दिशा में है रजत, क्योंकि अब लोकसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है, वहां की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां क्या तैयारी कर रही हैं, जनता में क्या उत्साह? जी बिल्कुल, जनता में उत्साह काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लिए जो ऐतिहासिक फैसला लिया गया था अनुच्छेद 370 और धारा 35 ए को हटाने का, उसके बाद देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने ये जो बखान है उसका किया कि किस तरह से जम्मू कश्मीर को लेकर जो डेवलपमेंट मॉडल है उन्होंने लाया। जम्मू कश्मीर में देश का, दुनिया का सबसे ऊँचा पुल जो है वो बन रहा है। जम्मू में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो रेल लाइन बिछने का काम था वो तेज़ी से जारी है, कुछ ही सालों में वो सपना पूरा हो जाएगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में कई सारे ऐसे काम जो पिछले कुछ सालों में किए गए उसका नतीजा है कि टूरिज्म आज 2 करोड़ से ज़्यादा जो देश भर से दुनिया भर से सैलानी हैं वो जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए ग्राउंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। वहीं अगर बात करें क्षेत्रीय पार्टी रीजनल पार्टी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, प्रसाद भी हमारे साथ बने हुए हैं, शशि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रवि, रविंद्र, ब्रह्मप्रकाश दुबे और अश्विन तमाम हमारे संवाददाता हमारे साथ आगे भी जुड़े रहेंगे। ये बड़ी कवरेज जी न्यूज पर लगातार जारी है।